हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने हिंदी पढ़ा था, अब हम एक्टिविटी बुक में इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया था वॉवल क्लस्टर का, माउस, क्लाउड एंड डॉग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वॉवल क्लस्टर हैं जैसे सी एच, एस एच, टी एच, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, टी एच, सी एच, एस एच वाले वर्ड। ठीक है, तो सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता है, च, एस एच का श, टी एच का थ। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, और इसमें सी एच आई सी के मतलब चिक। ठीक है, सी एच आई एल डी चाइल्ड, सी एच ए आर टी चार्ट, यहाँ पे आई लगा है वॉवेल, ये आई लगा है और ये ए लगा है। ठीक है, कंसोनेंट क्लस्टर्स एस एच, एस एच ओ पी शॉप। ठीक है, ओ वॉवेल साउंड है, यहाँ पे आई है, तो एस एच आई पी शिप, एस एच डबल ई पी शीप। ठीक है, टी एच, टी एच आर डबल ई थ्री, यहाँ वॉवेल कहाँ, कौन सा वॉवेल है, डबल ई, टी एच आर डबल ई थ्री, था बोला था ना मैंने कि टी एच का था आता है, टी एच आर ई ए डी, यहाँ पे दो वॉवेल लगे हुए हैं ई ए, तो थ्रेड, ये थम्ब, टी एच यू एम बी थम्ब। ठीक है, तो ये आपको लिखना है पढ़ पढ़ करके, और ये एक पेज आपको लिखना है पढ़ करके, और राइटिंग आप अच्छी बनाएंगे। द सन इज ओवर द हट, ठीक है, द सन इज ओवर द हट, ये आपको उसके ऊपर लिखना है। अ टब एंड अ मग, ठीक, ये आप इतना कंप्लीट करेंगे इंग्लिश में और जो हिंदी का करवाया है। ओके।